सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो हम आए थे मामू घर, लेकिन मामू घर में मन नहीं लगा, जिसके कारण हम लोग तुरंत वहाँ से निकल गए। एक ही रात वहाँ पे रुके, दिन तुरंत वहाँ पे निकल गए। वहाँ से मन ही थोड़ा सा नहीं लगा सर, वहाँ के दिमाग खराब हो गया। तो वहाँ से हम लोग जो है तुरंत निकल गए। अभी हम लोग बटिया जंगल पार कर रहे हैं, झूमरा स्थान से यहाँ से थोड़ा सा पार है, और यहाँ से हम झूमरा स्थान अभी पार कर चुके हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे रोशन भी है, जिसके साथ हम बाइक से भी आए थे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं यहाँ से अब घर। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी बटिया जंगल पार कर रहे हैं, और रोशन भी है जो इतना स्पीड गाड़ी चला रहा है। देखिए बहुत ज्यादा स्पीड चला रहा है गाड़ी, इसको बोल रहे हैं धीरे धीरे चलाए, लेकिन नहीं मान रहे हैं। थोड़ा जोर जोर स्पीड थोड़ा चलाने लगे, बोले जी थोड़ा धीरे धीरे चलाइए ना, डर लगता है, थोड़ा धीरे धीरे चलाइए। तो चलिए रोशन भैया को बोल दिए थोड़ा धीरे धीरे चलाइए, हमको बहुत डर लगने लगा। अब हम लोग जो है बटिया जंगल पार कर चुके हैं, और अब हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं चकाए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं चकाए का चौक, और वहाँ पर कुछ होटल वोटल में रुके हुए खाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। भूख लगी है, तभी तरफ चलिए खाएंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं आगे, चलिए चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अभी चकाए, और देख सकते हैं ये चकाए का है चौक। तो हम लोग को लग चुका है भूख, तो आइए देखते हैं होटल में कुछ मिलेगा तब यहाँ से खाएंगे। और उसके बाद रोशन भैया को पूरा भूख लग चुका है, जिसके कारण देखते हैं होटल में भी कुछ मिलेगा तब ना। समोसा है, साले इतने छोटे, दो प्लेट का 20, एक प्लेट का 20, ठीक है दीजिए। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को आगे दिखाते हैं। तो गाइस हमारा आ चुका है, देख सकते हैं समोसा। समोसा मेरे सामने ही था, और हम पूछ रहे थे भैया समोसा है, चौक गए होंगे। तो चलिए हम लोग खाते हैं, उसके बाद शकल देख रहे हैं कितना खराब धचिया उड़ चुका है हमारा शकल का, इतना प्रदूषण हवा में जो गाड़ी में इतना चला के इतना स्पीड गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण मेरा शकल का पूरा धचिया उड़ चुका है। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं, हम लोग खाएंगे समोसा, उसके बाद आप लोग को आगे दिखा लीजिए। गाय इतना ज़्यादा भूख लग चुका था कि मत पूछिए, पेट में एकदम चूहा कूद रहा था, लेकिन चका जल्दी जल्दी पहुँचे, उसके बाद हम लोग समोसा मंगाया, अभी खा रहे हैं। इतना ज़्यादा भूख लगा था कि मत पूछिए, दिमाग खराब हो गया था। तो गाय हम लोग खा पी के रेडी हो चुके हैं, और देखते हैं रोशन भैया पे करने वाले हैं। देखिए ये पे नहीं करने वाले हैं, इसका गर्लफ्रेंड जो है वो फ़ोन पे करने वाली है। रोशन भैया फ़ोन पे कीजिए उसको, एक तो धोखा दे के चले गए, अब दूसरा जो है वो अब फ़ोन पे कर रही है। देखो यही तो है बाबू सच्चा प्यार, एक एक छोड़ के गई तो दूसरा आ गई। देखो अब देखो इसका गर्लफ्रेंड जो है वो पे करेगी फ़ोन पे से, यही है सच्चा प्यार। सुनो दे, क्या बोल रहे? देखो अब जो है स्कैनर जो है अपने गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, और उसके बाद ये जो है इसका गर्लफ्रेंड जो है वो फ़ोन पे कर देगी। तो गाइज मेरे साथ हो चुका है धोखा, इसका गर्लफ्रेंड ने नहीं भेजा, जिसके कारण हमको देना पड़ा। इसीलिए बोलता है दोस्त, हर एक दोस्त चुतिया होता है। लीजिए भैया काटिए काटिए, इसीलिए बोलते हैं कभी लड़की के भरोसे में मत रहिए। चलो ये 60 रुपए फोन पे नहीं करता, चलो जाओ देख लिया, वही तो सच्चा प्यार देख लिया ना, बोलो करने बोलो। ये भैया मेरे पास दीजिए, नहीं हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कभी लड़की किसी पे भरोसा नहीं कर पाए। 60 रुपए में जो है समोसा खाए हम लोग, बोले कि 60 रुपए पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता दोस्त, हर एक लड़की एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हम तो दे दिए भैया, काट लीजिए। तो गाइज हम पे कर चुके हैं, अब चलिए यहाँ से चलते हैं। यही तो हम सोच रहे थे यार, कैसे गर्लफ्रेंड कैसे पे कर देगी, और ये बोल रहे थे मेरा गर्लफ्रेंड जो पे कर देगी, तुरंत स्कैनर लिया और तुरंत यहाँ से फ़ोन पे गिर दी। अरे यार ये लड़की जो है ना वो कभी कभी भी धोखा दे सकती है, और रही बात पैसों पे तो कभी वही चीज़ धोखा धोखा दे के चले जाएंगे। और वही चला मीठा उठा में पैसा होटल में खा के 60 रुपये तुमको बोलेगा फ़ोन पे करने के लिए, ऐसा नहीं होता दोस्त, लड़की है कभी भी धोखा दे सकती है।
क्या समझे? देखिए इसका शकल देख रहे हैं कैसा हो चुका है। तो चलिए आगे आगे आप लोगों को दिखाते हैं आगे। सो गाइज 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 आज का ताजा खबर, इसका जो है गर्लफ्रेंड ने जब इनको इसको बारे में बोले हम उसके गर्लफ्रेंड के बारे में, तो शर्मिंदा होकर उसको फोन पे कर दिया 60 रुपए। तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं, अब हम लोग जो है आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन चकाई में ढूंढ रहे साला आइसक्रीम है, आइसक्रीम है मिली नहीं रहा है यहाँ पे। तो गाइज हम आ चुके हैं आइसक्रीम वाले के भैया के पास। भैया जी को बढ़िया आइसक्रीम दिखाइए तो। चॉकलेट वाला आइटम कितना रुपया? 40 रुपया ये को क्या 10 वाला ना वो 20 वाला दी कितना? 30 30। हाँ ये वाला दी, चलिए ये वाला ठीक है। तो गाइज हम ले चुके हैं दो गो इसका पता भैया जी इसका गर्लफ्रेंड ने पैसा दिया है। ऐसा होता है कि लड़की जो है वो कभी देती है अपना पैसा लड़के से ले लेगा, नहीं अपने नहीं देती है कि? कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो गाइज आज का मतलब जो बोले ना उसमें जब हम बोले कि लड़की ने जो है धोखा दे दिया हमको जिसके कारण पैसा वो फोन पे नहीं की, तो वो बात जो है ये इस लड़के ने तुरंत बता दिया लड़की को, तो उसके कारण वो शर्मिंदा होकर तुरंत 60 रुपये पे कर दिए। उसने पे तो कर दिया, लड़की का पैसा ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग जो आइसक्रीम ले लिए, अब चलिए आइसक्रीम खाएंगे और चलते हैं अपना घर। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में आगे दिखाते हैं आप लोगों को, चलिए चलते हैं। तो गाइज हम ले चुके हैं आइसक्रीम, देखते हैं आइसक्रीम हम लोग खाएंगे, उसके बाद हम लोग घर तरफ चलेंगे। कभी लड़का लोग कभी नहीं सुधरेगा, थोड़ा लड़की का पैसा खा रहा है तो देखो कैसे खा रहा है। खाएंगे लड़की खाएं ना, हम ही खिलाएंगे बार बार। क्यों पूरा आपका वाला कितना पैसा खा रहा है? चल गई गाइस इसका एक सत्कार हम बताते हैं आप लोगों को, इसका जो एक गर्लफ्रेंड था वो छोड़ के चले गए, तो जिसके कारण वो दूसरे लड़की को पटाया अभी, और अभी जो लड़की का ही पैसा मतलब पहली वाली जो था इसका तो वो इसका पैसा लेता था, और अब जो पटाए वो लड़की से ही पैसा लेता है। इतना आप समझ लिए, इतना समझदार हो चुका है। तो चलिए आप लोग को आगे दिखाते हैं, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, चलिए चलते हैं। गाइस मेरा जो दोस्त है वो साला आइसक्रीमिया पैसा वाला देने ही भूल गया था। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरे। तो अभी जा रहा है आइसक्रीम वाला ले लिया, जिसके कारण वो दुकान में जा रहा है फोन पे करने के लिए, वहाँ से कैश लेगा, उसके बाद देगा दुकानदार साहब को। आइसक्रीम वाला हम लोग के पीछे घूर रहा है। हुआ तो गाइस हो चुका है आइसक्रीम का फोन पे, देख सकते हैं। वाह मान गए लड़की को भाई, चलिए एक तो लड़की ऐसा मिली कि जो इसका जो आइसक्रीम खाने के चक्कर में इसका पैसा दे दिया। चलो ठीक है, चलिए आप लोग आगे दिखाते हैं। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा दूर, अभी मेरा गाड़ी आगे खड़ा है, अब यहाँ से हम आगे गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद हम यहाँ से फिर चलेंगे अपना घर, चलिए चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपना देहाती गांव में, और ये देख सकते हैं सबसे 88 साल का जो है बुढ़ापा जी, देख सकते हैं बैट्समैन भी बन चुका है। ए गुड्डू जी छक्का मारिए रे, कोई जरूरत नहीं, आउट आउट, देख सकते हैं। वाह वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आउट होने पर? इधर आइए गुड्डू जी, इधर इधर। आउट होने पर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत खराब महसूस, खराब महसूस। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।